नमस्कार, हमारी खास पेशकश आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारे। कोरोना की पहली लहर में लगे लंबे लॉकडाउन और दूसरी लहर में लगे लॉकडाउन में लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बीच कुछ सर्वे रिपोर्ट्स ऐसी सामने आई जिनमें यंगस्टर्स को खासी परेशानी का भी सामना करना पड़ा है क्योंकि उनके ऑफिस, जिम, सिनेमा हॉल सब बंद रहे। ऐसे में ज्यादातर युवाओं ने अपने मोबाइल को अपना दोस्त बनाया और सबसे ज्यादा समय वेब सीरीज या फिर सोशल प्लेटफॉर्म पर बिताया। सर्वे के दौरान कुछ इस तरह की बातें भी सामने आई जिसमें एक ही दिन में युवाओं की तरफ से 2 से 3 वेब सीरीज एक ही दिन में देखी गई है। अभी तक इंटरनेट एडिक्शन की बड़ी वजह गेमिंग को माना जाता था, लेकिन वेब सीरीज अब गेमिंग को पछाड़ने को तैयार है। रिपोर्ट और विशेषज्ञों के मुताबिक इंटरनेट एडिक्शन की पहली वजह गेमिंग, दूसरी वजह सोशल मीडिया और तीसरे नंबर पर अब वेब सीरीज आ पहुंची है। बता दें कि वर्तमान दौर में वेब सीरीज में यंगस्टर्स घंटों गुजार रहे हैं, इस कारण उनके व्यवहार में बदलाव भी देखा जा रहा है। युवाओं में तनाव और भूलने जैसी बीमारी अब आम होने लगी है। वेब सीरीज पर दिखाए जाने वाले बोल्ड और हिंसक कंटेंट युवाओं के मस्तिष्क पर बुरा असर डाल रहे हैं, उन्हें डिप्रेशन तक का शिकार बना रहे हैं। अब घंटों फोन में लगे रहने के क्या फायदे क्या नुकसान है ये तो हर किसी को पता है, लेकिन इस तरह से वेब सीरीज की तरफ युवाओं का क्रेज बढ़ना कितना नुकसान या कितना क्या कुछ फायदा ये पहुंचाएगा ये हम जानेंगे खुद युवाओं से और एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे। और हमारे साथ यहाँ फोन लाइन पर डॉक्टर मोनिका श्रृंगऋषि जी जुड़ गई हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, तो वहीं अंशु गुप्ता सामाजिक कार्यकर्ता और अंशु पाठक जो युवा हैं जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह का प्रभाव यहाँ पड़ता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआत मैं करूंगी अंशु गुप्ता जी आपसे, वेब सीरीज का समाज पर किस तरह का असर आप देखते हैं? देखिए, जितना मैं समझती हूँ और जितना मैंने समाज को समझा है और समाज में इस तरह की चीजें जब आती हैं तो उनके साथ किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं वो जितना मैं समझ पा रही हूँ उसमें, ये देखिए बहुत अच्छी बात है कि एंटरटेनमेंट है और कहीं ना कहीं बहुत सारे कंटेंट ऐसे होते हैं जिसमें सामाजिक कुरूतियां होती हैं, उससे समाज का एक अलग हिस्सा हमको देखने को मिलता है और जागरूकता आती है लोगों को। पर अभी जिस तरह से मैं यंगस्टर्स को देख रही हूँ कि बहुत इन्वॉल्वमेंट जब उनका हो जाता है और ईगरनेस बढ़ जाती है कि अब इस सीरीज के बाद जो दूसरी है फिर तीसरी है फिर बैक टू बैक उनको लत सी जो लग जाती है देखने की, उसमें कहीं ना कहीं उनकी स्वास्थ्य पर एक बहुत विपरीत असर पड़ रहा है क्योंकि 1.5-2 साल से जो पेंडेमिक जो हमारा काल चल रहा है इसमें लोग घर पर ही हैं, लॉकडाउन है, बाहर जा नहीं रहे तो चस्का आने लगता है बच्चों को और कंटेंट इतना सॉलिड होने लगता है इन लोगों के दिमाग में कि अब क्या होगा अब क्या होगा। तो लिटरली अगर कहें कि वो अपना समय बहुत सारा उसी में बर्बाद कर देते हैं। तो जो घर में बैठ के कोई क्रिएटिव वर्क करें या फिर फिजिकल एक्टिविटी से हमको वो दूर कर रही हैं तो ये स्वास्थ्य पे तो विपरीत प्रभाव दे ही रहा है। मानसिकता में कहीं ना कहीं वही चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं कि अब क्या होगा, उसमें अगला देख लेते हैं अब क्या होगा। तो जो हमारा युवा है इनको जो क्रिएटिव और जो अपने स्टडीज की तरफ ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए वो कहीं ना कहीं हट रहा है। तो अच्छी बात है, आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखिए इसको, पर कितना देखना है इसके तो बैरियर्स आपको खुद ही लगाने होंगे। लेकिन युवाओं को ये समझाना और इस तरह से जैसे आपने जिक्र किया कि बैरियर लगाना चाहिए तो ये तो काफी मुश्किल है कि अगर उनपे बाउंडेशन लगाएंगे तो एक नकारात्मक चीज भी उनके सामने यहाँ पर सामने खड़ी हो जाएगी। नहीं, इतना कठिन काम नहीं है। देखिए, जब हम परिवार में रह रहे हैं, बच्चे अपने परिवार में अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं तो पेरेंट्स भी बहुत सी चीजों को आइडियली करके चले, जैसे कि अगर माँ दिन भर वेब सीरीज देखेगी और उसको दिन भर मोबाइल हाथ में रहेगा तो बच्चे भी वैसे ही देखेंगे। तो हमको ये चीजें घर में कैसा एटमॉस्फेयर बनाना है और अपने बच्चे अगर हमारी बात माने तो उस चीज को हमको भी वैसा ही करना पड़ेगा। अगर हम सकारात्मक वातावरण अपने घर में बनाएंगे तो डेफिनेटली हमारे बच्चे प्यार से हमारी बात सुनेंगे, उनको उस विषय की गंभीरता बताओ,
बच्चों से बातें करो और बच्चों को अपने साथ भी इन्वॉल्व करो, क्योंकि क्या होता है ना, फ्री समय में ही तो ये सारी चीजें चलती हैं दिमाग में जी। और ये लगता है कि चलो अब हम मोबाइल उठाएं और देख लें, तो ये बहुत जरूरी है कि घर में जो पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, उनको अपने घर का वातावरण बहुत अच्छा बनाना होगा। कोई नकारात्मक प्रभाव ऐसा पड़ेगा ही नहीं, फिर नेगेटिविटी आएगी ही नहीं। तो ये तो अपने आने वाली जो जनरेशन है, या जब हमारी जनरेशन, ये जो यंगस्टर्स हैं हमारे, इनको किस तरह हमको बिल्टअप करना है, इनकी अपब्रिंगिंग कैसी करनी है, ये चीजें तो हम बड़ों को सोचना ही होगा। नहीं तो इनका भविष्य तो बहुत अंधकार में, क्योंकि ये पूरा ऊर्जा से भरा हुआ पीरियड होता है युवा का, और इसी समय अगर ये अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का कहीं ना कहीं मिसयूज, बहुत हद तक इस चीज को मिसयूज कहेंगे कि करेंगे, तो इनकी जो ऊर्जा का सही उपयोग होना चाहिए समाज की प्रगति में, देश की प्रगति में, वो हो ही नहीं पाएगी। तो ये तो हम पेरेंट्स का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि हम अपने बच्चों को समझें, उनको समय दें, और अगर गलत दिशा में देख रहे ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर मोनिका श्रृंगृषि जी भी जुड़ी हुई है, साइकोलॉजिस्ट है, उनसे भी समझते हैं। डॉक्टर मोनिका, आपको क्या, आप क्या सहमत हैं कि जिस तरह से लंबा लॉकडाउन लगा और वेब सीरीज की तरफ यहाँ एक क्रेज बढ़ता युवाओं का देखा गया है, यंगस्टर्स का, तो इससे क्या कोई दुष्प्रभाव भी निकल कर सामने आ सकता है? जी बिल्कुल, दुष्प्रभाव तो बहुत सारे हैं, एंडलेस हैं, मैं आपको डिस्कस करती हूँ। देखिए, जब हम लगातार बिंज वॉचिंग कर रहे होते हैं कोई भी वेब सीरीज, क्योंकि वेब सीरीज का जो कंटेंट बनाया जाता है वो हाईली अट्रैक्टिव बनाया जाता है, उसमें एक यूनिकनेस के साथ उसको प्रेजेंट किया जाता है। हर एपिसोड खत्म होने के बाद एक दूसरे एपिसोड का आपको छोटा सा ट्रेलर दिखाया जाता है, काट काट के, तो बहुत अमेजिंग सा बना देता है। हमें लगता है कि अब नेक्स्ट वीक जब ये सीरीज आएगी तो फिर से हमें बैठना है देखने। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, बिंज वॉचिंग के चक्कर में, कि हमारे यूथ काफी कुछ मिस आउट कर रहे हैं। जब वो बिंज वॉचिंग कर रहे हैं अपने रूम में बैठ के, तो अपनी फैमिली को इग्नोर कर रहे हैं, अपने वर्क को, अपने फ्रेंड्स को, अपने स्टडीज को, ये सब अफेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। एक बिंज वॉचिंग के चक्कर में अगर आप देर रात OTT प्लेटफॉर्म खोल के बैठे हैं और आप काफी घंटों तक एक सीरीज देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप 2 घंटे की नींद लेके अपने ऑफिस जा रहे हैं, या अपने स्कूल जा रहे हैं, या आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, जो कि आपको काफी तरह से वीक कर देगा। आपका कंसंट्रेशन पुअर हो जाएगा, आपको चिड़चिड़ापन, एंग्जायटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लगातार नींद की कमी से। इसके अलावा आप देखें कि जो वेब सीरीज का कंटेंट बनता है उसमें काफी हद तक वायलेंस दिखाया जाता है, उससे कुछ एग्रेसिव बिहेवियर डेवलप हो सकता है यंग बच्चों में, जो वल्गर लैंग्वेज का यूज करते हैं, या जो सेक्स को बहुत एग्जैजरेट करके दिखाते हैं उसको एक ऑथेंटिक प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो ये सब हमारे यूथ के माइंड को, जो कि बहुत डेवलप नहीं हुआ होता है, वो इतना एक्सपोज नहीं होता है, उनको वो चीजें बहुत कैप्टिवेटिंग लगती हैं। और बाकी आदतें जैसे नशे की आदतें, काफी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग ऐसे शोज में दिखाते हैं जो बच्चों को अट्रैक्ट करता है, उनको लगता है कि ये कूलनेस की डेफिनेशन है कि हम अगर स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो और बैठे बैठे जब आप काफी घंटों तक इस तरह से वेब सीरीज देखते हैं तो आप ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं, आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है जी। इसके अलावा देखें तो ऑब्वियसली पैसे का बहुत ज्यादा वेस्टेज है, क्योंकि हो सकता है कि आप एक से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब करके रखे हो अपने आप को, मंथली उसका जो डिडक्शन हो रहा है वो एक यूजलेस वेस्ट है। तो काफी सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं, तो आई थिंक इनको भी हमें जान लें। अगर हम किसी भी तरह से वेब सीरीज में पढ़ रहे हैं तो वी शुड नो कि इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस जैसे मुझसे पहले स्पीकर ने बोले तो आई क्वाइट अग्री विद देम, और डिसएडवांटेजेस को ध्यान रखें, टाइम बाउंड अपने आप को रखें कि हम 30 मिनट ही देखेंगे, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी टाइम बाउंडेशन को लेकर, क्योंकि टाइम बाउंडेशन मुझे लगता है कि खुद से पर्सनली अगर मैं अपना ही जिक्र करूं कि वो टाइम बाउंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है आज के दौर में, और जिस तरह से लॉकडाउन या फिर तमाम चीजें यहां पर चल रही है नकारात्मक से। अंशु, मैं आपका रुख करती हूं, आप चूंकि युवा है तो क्या आप सहमत है, आपने एक्सपर्ट्स की राय सुनी, क्या आप उस चीज को लेकर सहमत है कि किसी भी तरह का असर ये युवाओं पर वेब सीरीज डालती है? जी मैं सहमत हूँ, दोनों स्पीकर्स की बात मैंने सुनी और मैं सहमत हूँ, लेकिन एज पर माई व्यू
हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट जैसे कि पहले भी डिस्कस अभी हो चुका है कि हेल्थ इफेक्ट होता है, इंसोमिनिया या नींद ना आने की बीमारी होती है, और कुछ कुछ कंटेंट इतने वायलेटेड और वल्गर होते हैं कि यूथ और यंगस्टर्स अपने ऊपर अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, और जिससे उनका मेंटल लेवल भी चेंज होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कि अभी जैसे कि इंडिया पूरी तरीके से वेस्टर्न कल्चर अपनाना चाहता है, यूएस कल्चर, ऑस्ट्रेलिया कल्चर, तो वहां पे ये चीजें कॉमन है। मतलब वहां पे वेब सीरीज एक आम बात है, जैसे कि हम टीवी सीरियल्स देखते हैं डेली के डेली सोप, उसी तरीके से वहां पे वेब सीरीज डेली देखी जाती है। तो अगर हम वेस्टर्न कल्चर पूरी तरीके से अपनाना चाहते हैं तो इस चीज में कोई बुराई नहीं है, ये चीज तो इंक्लूड होनी ही चाहिए। बात रही कंटेंट लेवल की, तो वेब सीरीज में कई कंटेंट लेवल साइंटिफिक हैं, कई कंटेंट लेवल ज्योग्राफिक हैं एंड इंफॉर्मेटिव भी होते हैं। तो डिपेंड करता है यूथ पे कि वो किस तरीके का कंटेंट देखना चाहता है। बिल्कुल, ये डिपेंड करता है। लेकिन अडल्ट कंटेंट की अगर बात की जाए तो वेब सीरीज में आजकल ज्यादातर अडल्ट परोसा जा रहा है और ऐसे में उसे पोर्नोग्राफी का दर्जा दिया गया है। तो अंशु, क्या आप इस चीज को मानते हैं कि उसका असर भी खासा यहाँ पड़ता है युवाओं पर? और हाल ही में हमने कई तरह की खबरें भी देखी है जहां वेब सीरीज को लेकर ही जो वेब सीरीज में दिखाया गया, परोसा गया, वही यहाँ पर असल जिंदगी में लोगों के साथ हुआ। जी जी, जैसे कि मैंने अभी कहा कि कई कई कंटेंट ऐसा हो रहे हैं कि यूथ अपने ऊपर अपना रहे हैं, रियल लाइफ में अपना रहे हैं। तो ना कि यूथ, इवन 13-14 साल के बच्चे भी अब कंटिन्यूअस पेंडेमिक के कारण उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बाहर जाने का, तो वेब सीरीज ही एक ऐसा ऑप्शन बचा है जैसे वो कंटिन्यूअस बिंज वॉचिंग करते हैं और जिससे उनका मेंटल लेवल अफेक्ट करता है। एंड वल्गैरिटी और जो एडल्ट कंटेंट जिस इसमें दिखाया जा रहा है वो रियल लाइफ में वो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। तो ऐसे में पेरेंट्स अगर एंटरटेनमेंट का साधन दे रहे हैं जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप अगर उनको दे रहे हैं कि वेब सीरीज देखो, तो साथ ही साथ में पेरेंट्स को ये नजर रखनी चाहिए कि वो किस टाइप का कंटेंट देख रहे हैं। वेब सीरीज में कई टाइप के कंटेंट आते हैं, अगर वल्गैरिटी और एडल्ट कंटेंट अगर वो देख रहे हैं तो इस चीज में पेरेंट्स को थोड़ा सा कंट्रोल लगाना चाहिए कि वो ये चीजें ना देखें। ठीक है, ये बात उन लोगों की हुई जिन्हें हर तरह की सुविधा प्रदान है, चाहे पेरेंट्स की तरफ से हो या खुद की तरफ से वो सक्षम हो। लेकिन अंशु गुप्ता जी, एक बार फिर आपका रुख करती हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर अभी अंशु ने भी बताया कि परिवार में घर वालों को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन घर वाले तब तक कंट्रोल कर सकते हैं जब तक बच्चा उनके सामने है। अगर बच्चा हॉस्टल पीजी में रह रहा हो या घर से दूर रह रहा है अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी जॉब के लिए, तो वो किस तरह से अपने टाइम बाउंड करें? देखिए, बहुत गंभीर विषय है इसको, मतलब बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और ये समग्रता के साथ होना चाहिए। मतलब कि इसमें एक सिर्फ माँ बाप का ही रोल नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। जैसे कि माँ बाप की बात करूँ तो माँ बाप को सोचना ही होगा कि अगर उनके उन्होंने इस संसार में अपने बच्चे लेके आए हैं तो वो बच्चे किस तरह के बने, इस तरह के बच्चे बने कि वो एक सशक्त नागरिक बने, उनकी सोच बहुत परिपक्व हो। और अगर बच्चे कहीं भी गलत ट्रैक पे जाते हैं तो बट ऑब्वियस है कि बहुत कुछ उसमें माँ बाप की मिस्टेक्स होती हैं, जिस तरह से कि वो बच्चों को जैसे समय ना देना। आजकल पेरेंट्स के पास ये, मतलब ये बहुत बड़ा इशू है कि पेरेंट्स के पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है, वो उनसे बात ही नहीं करते हैं। अगर बाहर भी बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो भाई अगर बच्चे जा रहे हैं तो कंसर्न रखिए, उनसे दिन में 2-4-5 बार आप पूछिए कि भाई क्या कर रहे हो, आज क्या किया आपने, या बेटा आज मैंने घर में ऐसा बनाया। तो उससे एक कनेक्ट बना रहेगा माँ बाप से और उसको कहीं ना कहीं एक कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों माइंड में अपने पेरेंट्स की बातें हमेशा याद रहेंगी। तो जब फ्री दिमाग ज्यादा रहेगा ही नहीं, अच्छी बातों से दिमाग भरा रहेगा, तो वो अगर वो वैसा कंटेंट देख भी लेता है तो उन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, बहुत ज्यादा उसके दिमाग पे वो चीजें असर नहीं करेंगी। असर तभी करती है जब लोनलीनेस होती है, एंग्जाइटी होती है, या उसको लगता है कि मेरे पर कंट्रोल किसी का नहीं, अगर मैं कुछ करता हूँ तो देखते हैं आगे क्या होता, मतलब ये सारी चीजें होती हैं। तो ये बहुत गंभीर समस्या है इस समय की कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, बच्चे दूर चले जाते हैं, पेरेंट्स और ज्यादा अपने कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और माएं जो ट्रेंड अभी जो चल रहा है कि क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली हो गई तो उनके पास भी बहुत सारे स्पेयर समय, तो वो अपनी अलग अलग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है,
तो इन सब चीजों को बहुत सोचना चाहिए। साथ ही मैं कहूंगी कि प्रशासनिक स्तर पर भी कहीं ना कहीं आई एक बैन लगना चाहिए कि हम पर ये पॉसिबल अभी तो मोबाइल के साथ तो पॉसिबल है ही नहीं कि कंटेंट किस तरह का परोसा जाए, क्योंकि वो फ्री पूरे में किस तरह से बैन करेंगे। तो ये बड़ी समस्या है। इसमें सिर्फ और सिर्फ परिवार की भूमिका बहुत अहम है कि वो अपने बच्चों को बहुत बांध के रखे, चीजों को अप एंड डाउन भी समझाए, अपनी बेटियों को भी बोले कि ठीक है आपको पूरी स्वतंत्रता है, आप हर तरह का काम कीजिए, पर इसके क्या डिमेरिट्स हैं इन चीजों को भी समझो, इसके आने वाले जो गलत प्रभाव आपकी जिंदगी पे होंगे ये सब समझाओ बच्चों को। तो डेफिनेटली बच्चे समझते हैं, बच्चे इतने उग्र भी नहीं होते कि एकदम वो बिगड़ जाते हैं। तो धीरे 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 ये प्रक्रिया है जो बच्चों को इस तरफ ले जाती है। डॉक्टर मोनिका, जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि अगर सिर्फ अडल्ट कंटेंट की बात की जाए वेब सीरीज की, तो किस तरह का यहाँ पर बिहेवियर चेंज होता है बच्चों में या युवाओं में, क्योंकि सिर्फ युवा ही नहीं, यंगस्टर ही नहीं, बच्चे भी आजकल वेब सीरीज को अपना रहे हैं, और क्या ये अपराध की तरफ अग्रसर होता है? क्योंकि हाल ही की दो घटनाओं का अगर मैं जिक्र करूं तो एक घटना आपको बहुत अच्छे से याद होगी कि एक स्कूल के बच्चों ने ग्रुप बनाया था जिसकी सरगना लड़की निकली थी और उसमें सिर्फ सेक्स चैट की गई थी, उसके अलावा कुछ नहीं किया गया था, और गैंग रेप की बात की जा रही थी। और हाल ही में अभी 2-3 दिन पहले की एक घटना हरियाणा से निकलकर सामने आई जहां 10 साल की बच्ची से गैंग रेप किया गया जिसमें महज उम्र 10 से 15 साल की थी। क्या इनको भी जोड़ा जा सकता है उनसे? डॉक्टर मोनिका, या हेलो जी, हां लिंक तो डेफिनेटली इन सब चीजों का आपस में है। अब जिस तरह के शोज आ रहे हैं टीवी पे, आई मीन वेब सीरीज पर दिखाए जा रहे हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पर दिखाए जा रहे हैं, उनमें जिस लेवल की वल्गैरिटी सर्व की जा रही है, तो जो बहुत अडल्ट लोग हैं जो ऑलमोस्ट 30-40 के हैं, उनको तो समझ में आता है काफ़ी चीज़ें, वो रियलिटी उनमें जब तक ओरिएंटेशन आ जाता है। बट जो बिल्कुल हमारे टीनेजर्स हैं, सेम कंटेंट जब वो वॉच करते हैं तो उनको क्योंकि एक्सपोजर नहीं हुआ होता है तो मन में क्यूरियोसिटी होती है, जैसे हर न्यू चीज को लेके उनको क्यूरियोसिटी होती है, ऐसे ही इन चीजों को लेके भी उनके दिमाग में बहुत क्यूरियोसिटी होती है। और हो सकता है कि कुछ उस क्यूरियोसिटी को मिटाने के लिए वो आपस में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट कर लें जिनका कुछ हार्मफुल रिजल्ट हो। तो ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हम अपने बच्चों के साथ फ्रेंड्स की तरह रहें, मतलब एक बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंटल एटीट्यूड अगर हम रखेंगे तो हमारे साथ बच्चे ओपन ही नहीं होंगे जी, राइट। सो हमें उनको एक ऐसा पेरेंटिंग प्रोवाइड करना है जहाँ पे स्ट्रिक्टनेस चाहिए हम वहाँ पे स्ट्रिक्ट रहें, जहाँ पे हमें उन्हें ओपन अप होने का मौका देना है, मैं उनसे फ्रेंडली बातें भी करनी है, फ्रेंडली बातों में ही उनसे डिस्कस करें कि ओके इस तरह का शो आप देख रहे हैं, ओके दिस इज रॉन्ग, दिस इज अगेंस्ट द लॉ, रेपिंग समवन, किसी भी तरह का रेप होता है तो दैट इज अगेंस्ट द लॉ, वो पनिशेबल है, क्राइम है, तो उस चीज को बढ़ावा ना दें, उसके बारे में उनको जानकारी प्रोवाइड करें और उनसे ओपन रहेंगे तो वो आपसे सब चीजें डिस्कस करेंगे। अगर उनको कोई क्यूरियोसिटी है तो वो आपसे ओपन अप होंगे, आप उनको उस तरह का एनवायरमेंट प्रोवाइड करो। अंशु, एक बार फिर मैं आपका रुख करती हूँ। अंशु पाठक, जिस तरह से आपने बताया कि वेब सीरीज डिपेंड करती है हमारे मेंटल हेल्थ को भी, यहाँ पर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अग्रसर करती है कि किस तरह से अब आगे क्या करना है। ऐसे में कहा जाता है नेगेटिव अट्रैक्ट्स ईच अदर, तो इसमें क्या लगता है कि आप चूंकि वेब सीरीज देखती हैं, आपके अलावा आपके दोस्त भी होंगे, तो वो ज्यादा किस कंटेंट को देखना ज्यादा प्रेफर करते हैं, और अगर उनके दिमाग में या फिर आपके आसपास के जो युवा हैं उनके दिमाग में कुछ नेगेटिव फीडबैक भी आता है वेब सीरीज को लेकर, तो वो उसको किस तरह से डाइवर्ट करते हैं अपने माइंड को? देखिए, वेब सीरीज के कंटेंट ऐसे बनाए ही जाते हैं कि जिससे यूथ अट्रैक्ट हो, और अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप भी कंटेंट बनाए जाते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए। रही बात एडल्ट कंटेंट की, तो इट्स अ साइकोलॉजी और ह्यूमन नेचर की उसके प्रति टीनेजर्स हो या यंगस्टर्स हो वो अट्रैक्ट होंगे ही, क्योंकि कंटेंट इस तरीके का होता है और उन्हें कोई नॉलेज नहीं रहती है। तो इसमें जैसे कि डॉक्टर मोनिका ने अभी बोला कि
पेरेंट्स का अहम रोल होना चाहिए कि उन्हें शुरू से ही, अभी इंडिया में ऐसा कोई कल्चर नहीं है कि बच्चों को शुरू से इन सब चीज़ों की नॉलेज दी जाती है, उन्हें बहुत कंट्रोल में रखा जाता है, ये सब चीज़ें छुपाई जाती हैं उनसे शुरू से ही। इसीलिए ये रीज़न है कि उनको जैसे ही ये सब कंटेंट एकदम से परोसा जाता है वो बहुत क्यूरियस हो जाते हैं, इंटरेस्ट लेवल उनका बढ़ जाता है और डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं, इसकी वजह से उनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर चले जाते हैं। और इसमें सबसे मेजर रोल होता है कि वो किस सराउंडिंग में रह रहे हैं, उनके कॉलीग्स, उनके फ्रेंड्स या आसपास की सराउंडिंग, जिनके साथ भी वो रह रहे हैं वो किस तरीके से वो उन लोगों को चूज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सबसे बड़ा रीजन कंटेंट चूज करने का यही रहता है। फॉर एग्जांपल अगर दो लोग पीजी में रह रहे हैं, एक अभी अभी आया है लेकिन एक वही कंटेंट पिछले 6 महीने से देख रहा है, तो ये 99% पॉसिबल है कि दूसरा जो अभी अभी पीजी में रहने आया है वो पहले वाले की संगत में पढ़ के वो भी चीज देखने लगेगा, उसको कुछ भी नहीं पता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक टाइम पे दोनों का इंटरेस्ट लेवल सेम लेवल पे जाके मैच कर जाएगा एंड दोनों वही लेवल दोनों कंटेंट देखने की कोशिश करेंगे उसी टाइप का। तो इसमें पेरेंटिंग का अहम रोल आता है, जैसे अभी डॉक्टर ने बोला कि नॉलेज उनको शुरू से देनी चाहिए। देखा जाता है कि यूएस या वेस्टर्न कंट्रीज में जो बच्चे होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, वो ये सारे कंटेंट को बहुत नॉर्मल मानते हैं क्योंकि पेरेंटिंग उनकी इस तरीके से की जाती है, किसी चीज को छुपाया नहीं जाता है, किसी चीज को सीक्रेट नहीं रखा जाता है कि इन सब चीजों से दूर रहो, इसीलिए बच्चे क्यूरियस नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे इंडिया को ये कल्चर अडॉप्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। अंशु पाठक, एक अंशु गुप्ता, एक आखिरी रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी कि पेरेंट्स का अगर से यहाँ पे कंट्रोल की बात की जाए, कई पेरेंट्स को तो यही नहीं पता होता कि आखिर वेब सीरीज क्या होती है और उसको किस तरह से हमारे बच्चे हम फोन पर देख क्या रहे हैं, तो इस चीज को किस तरह से रोका जा सकता है? समय की कमी, एक छोटा सा रिएक्शन। इसको डेफिनेटली इसी तरह रोका जा सकता है कि बच्चों के ऊपर माँ बाप का थोड़ा बहुत तो नियंत्रण बहुत जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स का ही अहम रोल होना चाहिए कि बच्चों को हम किस तरह से उनका बिहेवियर चल रहा है, कैसी संगत है। तो सबसे अहम रोल माँ बाप का और विशेषकर माओं का होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को देखें कि उनके एटीट्यूड में क्या चेंज आ रहा है, किस तरह से उनका बिहेव बदल रहा है, कौन दोस्त हैं, किस तरह के दोस्त हैं। अगर इन चीज की कंट्रोलिंग हो गई प्लस अपने बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार हो गया, क्योंकि हेजिटेशन जब रहेगा नहीं तो वो अपने दिल की बात भी कहेगा, आप उससे बात कीजिए, खुल के बात कीजिए, अच्छा बुरा समझाइए, तो बट ऑब्वियस है कि बच्चे आपसे अपनी दिल की भी बात कहेंगे, वो आपसे दोस्ताना रवैये में भी रहेंगे और कुछ भी गलत नहीं होगा क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है उनकी बात सुनने का। तो ऑब्वियस है कि बच्चा और कहीं भटकेगा और अपनी बातों को और कहीं शेयर करेगा। बिल्कुल, आप तीनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और ये काफी गंभीर विषय है जिस पर आप लोगों ने चर्चा किया, क्योंकि कोरोना की जो पहली लहर लगी थी उसमें लंबा लॉकडाउन लगा, दूसरी लहर में भी लॉकडाउन लगा, लोगों को बेशक कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बीच कुछ सर्वे रिपोर्ट अब ऐसी आई है जिनमें यंगस्टर को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके ऑफिस, जिम, सिनेमा हॉल सब बंद रहे थे। ऐसे में ज्यादातर युवाओं ने अपने मोबाइल को अपना दोस्त बनाया और वेब सीरीज को सबसे ज्यादा समय दिया है क्योंकि वेब सीरीज में कई तरह के कंटेंट होते हैं, मोटिवेशनल थॉट्स भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर अगर यहां पर जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें अडल्ट कंटेंट्स को बढ़ावा दिया गया है। अब ऐसे में बचाव क्या है वो हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया। फिलहाल आपकी खबर हमारी खास पेशकश में इतना ही, आप बने रहिए जेएनएन न्यूज के साथ। नमस्कार।